खबर पंजाब दे पानी नाल जुड़ी हुई है, जिस ते हरियाणा बिना वजह ही अपना हक जमा रहा है ते जता रहा है। मुद्दा SYL दा है, जिस ते अज दिल्ली दे विच सेंटर सरकार दी अगवाई दे अधीन पंजाब ते हरियाणा दे मुख्यमंत्रियों दी मीटिंग होवेगी। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कल रात तक दिल्ली पहुंच चुके सन। SYL दे मसले ते होण वाली इह दूसरे गेड़ दी बैठक है दोवां सूबयां दे मुख्यमंत्रियों दे विचाले। इस तों पहलां लंघे 14 अक्तूबर नूं वी, यानी कि 14 अक्तूबर 2022 दे विच हरियाणा दे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ते पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे विचाले चंडीगढ़ दे विच मीटिंग होई सी, पर कोई भी हल नहीं निकलिया सी, क्योंकि पंजाब दे मुख्यमंत्री पंजाब दा एक भी बूंद पानी हरियाणे नूं देण तो पूरी तरह दे नाल इनकारी हो गए सन। अज वाली मीटिंग दिल्ली दे विच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दी अगवाई च तकरीबन दुपहरे 3 बजे शुरू होवेगी। केंद्रीय मंत्री ने लंघी 27 दिसंबर नूं दोवें सूबयां दे मुख्यमंत्रियों नूं चिट्ठी भेज के इस मीटिंग दे लई सद्या सी अते हवाला सुप्रीम कोर्ट दी सुनवाई दा भी दित्ता सी, जदों 6 सितंबर नूं सुप्रीम कोर्ट ने हदायत की सी कि दोवें सूबे SYL दा मसला आपस दे विच मिल बह के नबेड़ लैण। पता लगे कि पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान पूरी तैयारी दे नाल इस मीटिंग दे विच शामिल होणगे। जिहड़े मुद्दे जिहड़े नुक्ते चुके जाने ने इस मसले नूं लै के, उन्हां बारे भी सानूं थोड़ी भिणक पई है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ये कह सकते हैं कि नहर की उसारी भावनात्मक मुद्दा है, लोगों के दिलों के नाले जुड़िया हुआ मुद्दा है, क्योंकि पंजाब के पानी का मुद्दा है। ये अमन कानून के हालात विगड़ सकते हैं जे कोई फैसला पंजाब के हक च नहीं होंदा, तो जे अमन कानून की स्थिति विगड़ती है तो कौमी समस्या बन सकती है। दूसरा यह नुकता हो सकता है कि देश के पानिया के बाकी समझौत मुताबिक पानी की उपलब्धता के आधार पर हर 25 साल बाद पानिया की हिस्सेदारी का मुड़ मुलांकन होना चाहिए, तो इस वक्त जो देखा जाए तो पंजाब के कोल वाधू पानी है ही नहीं किसी होर नूं देण दे लई। तीसरा नुकता हो सकता है कि पंजाब की यमुना के पानिया भी हिस्सेदारी बनती है। भारत सरकार के सिंचाई कमिशन की 1972 की रिपोर्ट मुताबिक पंजाब सूबा यमुना दरिया का भी राइपेरियन बनता है, तो पंजाब नूं इहदा पानी भी मिलना चाहिए। माहिरां दी कमेटी दी अजिही कोई रिपोर्ट नहीं है जिस मुताबिक हरियाणा दे राजस्थान रावी ब्यास दरिया दे राइपेरियन बनते हो, जिहड़ा कि पंजाब दा पानी है। रावी ब्यास पंजाब दे दरिया ने। यह भी मंग चुक सकते ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के बदले हालातों के मद्देनज़र पानिया के झगड़े के हल लई नवां ट्रिब्यूनल बनाया जाना चाहिए। पंजाब वाले पास्यों पाकिस्तान नूं कोई पानी नहीं दिता जाता, जिहड़ा पानी पाकिस्तान पहुँचता है वह जम्मू कश्मीर च पैंदे उज दरिया दा जाता है, यानी कि पंजाब दे मुख्यमंत्री सेंटर सरकार दे वल्लों जां फिर हरियाणे दे वल्लों दित्ते जाण वाले हर तर्क दा जवाब देण दी पूरी तैयारी करके पहुंचणगे। यह भी नुकता रखा गया कि सारे देश चो सब तो वध धरती हेठला पानी पंजाब च खिंचया जा रहा है। पंजाब के 150 ब्लाकों के 117 ब्लाकों धरती हेठला पानी लोड़ तो वध खिंचया जा रहा है, जबकि हरियाणा के 141 ब्लाकों चो सिर्फ 85 ब्लाकों के पानी खिंचया जा रहा है। लिहाजा पंजाब के मुख्यमंत्री अज वाली मीटिंग दे विच भी अपना उही स्टैंड दोहराउणगे जो 14 अक्तूबर नूं दोहराया सी कि पंजाब के कोल पानी का एक भी तुपका वाधू नहीं है। इस करके SYL की उसारी का सवाल ही नहीं उठता। SYL की जानकारी भी दे दें कि यह सतलुज यमुना लिंक नहर है, पर हाले बनी नहीं है। 8 अप्रैल 1982 को तत्काली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पंजाब के पिंड कपूरी च टक ला के इस दी उसारी शुरू करवाई सी, पर तिखे रोस मुजहरे पंजाबियों ने किए से 1990 एक मुख्य इंजीनियर का कतल कर दिता गया सी। चंडीगढ़ दे विच SYL दा जिहड़ा दफ्तर बनिया होया सी उत्थे बलविंदर सिंह जटाणा ने पहुंच के जेई दा कतल कीता सी, जिस तों बाद एक काम ठप हो गया सी। उस तों बाद कई वारी ये मुद्दा उठदा रहा है, पर समय समय ते पंजाब दीआं सरकारां इस मुद्दे ते स्टैंड अदब चद्दा लैंदियां रहियां ने।